एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ आपने किया है तो आपको उसका डोमेन नॉलेज है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा हमने अंडरस्टैंड किया, एंड वी यूज्ड डिफरेंट टेक्निक्स सच एज गूगल, चैट जीपीटी, ऑल दोस थिंग्स आर। ओके, सो आपको कौन से कंपनी का एक्सपीरियंस है, कौन से फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप कंपनीज को अप्लाई करना कर सकते हैं। मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है तो मैकेनिकल डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड ऑपरेशनल एनालिटिक्स वगैरह ऐसे रोल्स रहते हैं, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सबको डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है? डेटा फॉर्मेटिंग, चलिए क्विकली कैसे करते हैं। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी डन है। ये भी क्या है? टेक्स्ट, राइट? ये क्या है? टेक्स्ट। दिस इज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट। और कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? शिफ्ट, पहले तो पहला सेल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, एंड देन यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। डेट है तो डेट सिलेक्ट कीजिए, टाइम है तो टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट, करेंसी, नंबर, जनरल, राइट? फिर अभी ऑल द मोस्ट आर द ओके, इसका क्या होगा? डेट, डेट फॉर्मेट ऑलरेडी है, इसका करेंसी क्योंकि पैसा है, राइट? क्लियर सबको ऑनलाइन? तो डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग हो गया, कंसोलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल द डेटा इज अवेलेबल। क्विक इनसाइट्स कौन बताए? एक बताइए कोई भी क्विक इनसाइट्स कैसे निकाल समझ सकते हैं कितना? ओके, इस कॉलम जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट में कितना पैसा पड़ा है वो हम देख सकते हैं। ओके, क्या हो गया इसमें? ऑनलाइन यस सर, वीडियो। यस सर। ओके गुड, यहां तो ओके क्लियर। करेंसी तो क्विक इनसाइट कैन बी टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ पीपल, वो सिलेक्ट कीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर भी मिलेगा, नहीं तो फॉर्मूला लगाइए, ऑटो सम वगैरह। ये देखिए सम यहाँ पे दिख रहा है ना, सम दिख रहा है। एवरेज इज ऑल्सो कैन बी एवरेज अकाउंट की, एवरेज पैसा कितना है हर एक के अकाउंट में, वो भी कैन बी अ क्विक इनसाइट। हाईएस्ट है टॉप 10 कीजिए फिर, राइट? सॉर्ट करके हम निकाल सकते। बाय द वे, टेबल कर दिया है हमने, राइट? कल जो हमने टेबल देखा था, राइट? टेबल इंसर्ट में जाके, टेबल इंसर्ट में जाके टेबल, मतलब पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा और टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। सो वी हैव डन दिस, इसलिए वो फिल्टर आइकन बटन आ रहा है ऑटोमेटिकली, एंड देन फिल्टर लगाइए यहाँ से, सी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी बता सकते हो आप हाईएस्ट कौन से बैंक अकाउंट में है, कितने हैं? 90,000। टॉप 10 सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, जो भी है, ये कौन से अकाउंट से है और कौन से डिपार्टमेंट से। देखिए नॉर्थ काउंटी से सबसे ज्यादा है, दिस कैन बी इनसाइड। नॉर्थ काउंटी में बहुत अमीर लोग रहते लगता है ना, रिच पीपल। सो दिस कैन बी अ क्विक इनसाइड, क्विकली आप जो है बता के देख सकते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, अलग अलग आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी कि सिर्फ नॉर्थ काउंटी में आपने बोला कि रिच कस्टमर है टॉप 10 से देखिए, बट आई वॉन्ट इन टोटल एडिशन ऑफ ओनली नॉर्थ काउंटी पीपल, ये निकल सकता है क्या? फिर आई वॉन्ट, ये देखिए मुझे चाहिए कि एग्जिस्टिंग लोगों ने कितने अकाउंट, एग्जिस्टिंग लोगों के अकाउंट में कितना पैसा, एग्जिस्टिंग के जो है ना कस्टमर टाइप, उसमें कितना पैसा है। और सिर्फ पैसा नहीं, वो परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, मतलब टोटल पैसा कितना है हमने देखा, उसका कितना परसेंटेज एग्जिस्टिंग लोगों के पास है, ये देखना। तो हाउ आई कैन फाइंड इट आउट?
ऑनलाइन प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं? ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई नीड, ये एग्जाम्पल दिया आपको. सो डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? एनी ऑप्शन अदर हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो डू यू हैव एनी ऑप्शन कैसे कर सकते हैं? सर फर्स्ट वी विल अप्लाई अ फिल्टर फॉर कस्टमर टू शो द ओनली कस्टमर गॉट इट. देन उसके बाद वी कैन शो द अमाउंट इन फ्रंट ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग कस्टमर. ठीक है, वो भी मिल गया. देन आपने सम निकाला. या एंड परसेंटेज वी कैन फाइंड परसेंटेज कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 5 लाइक दैट. नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में परसेंटेज नहीं है. यू मीन फार्मूला लिख के, राइट? मतलब आपके पास अभी क्या है, टोटल सम आया. लेट्स डू इट हियर. आप क्या बोल रहे थे, एग्जिस्टिंग वाला? चलो मैं फिल्टर लगाता हूं. एग्जिस्टिंग ओके लग गया फिल्टर. ओके बहुत ज्यादा है. सो क्लिक सम इतना आ रहा है, 42 लाख आ रहा है. अभी नेक्स्ट बताइए, अभी क्या करूं? मुझे परसेंटेज निकालना है, टोटल में से 42 कितना है. यू वांट 100 रुपीज में से 60 रुपीज. ओके डोंट ओके लेट्स डिस्कस हाउ टू डू इट. ऑल दीज आर कॉल्ड अ डिटेल्ड समरी और डेटा समराइजेशन. आई नीड टू समराइज एंटायर थिंग इनटू फ्यू लाइंस और फ्यू बेसिक कंडीशंस. कुछ कंडीशंस बनाना है, उसके ऊपर मुझे ये सारा डेटा डेटा का आउटपुट चाहिए. यही एज अ बिजनेस ओनर मुझे क्या चाहिए, और एज अ ब्रांच ओनर मैं देखूंगा कि अरे नॉर्थ काउंटी में से कितने कस्टमर है जो अमीर है. परसेंटेज चाहिए, और उनका ओवरऑल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है मेरे कंप्लीट बिजनेस में, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. क्योंकि सिर्फ एनालिसिस सिर्फ नंबर से नहीं होगा, परसेंटेज में होगा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन में होगा. ऑल दोज थिंग्स मैटर. तो ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है और इन डेप्थ आपको एनालिसिस करना है, तो आपको डेटा समराइजेशन करना पड़ेगा. इसके लिए हम यूज करते हैं पिवट टेबल. ओके पिवट टेबल कैसे पिवट टेबल करना है फिर? देन पहले तो ऑप्शन जाना है, इंसर्ट. इंसर्ट में पिवट टेबल दिख रहा है आपको. ओके सिलेक्ट कर दीजिए. देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, टेबल और रेंज. क्या सिलेक्ट करना है? बैंक डेटा. मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है, उसका नाम बैंक डेटा दिया है, राइट? देन कहाँ पे आपको चाहिए ये समरी, न्यू शीट या एग्जिस्टिंग? सिलेक्ट न्यू शीट, एग्जिस्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके एंड ओके. सो एक नया विंडो ओपन हो रहा है, नया ऑप्शन भी ओपन हो रहा है. देखिए ये ऑप्शन था क्या आपके पास? नहीं था. ये अभी ओपन हुआ है ना, ये भी दीज टू ऑप्शन, राइट? इट्स कॉल्ड अ पिवट टेबल विंडो. ये देखिए पिवट टेबल 1 लिख के आ रहा है. यहाँ पे क्या है, पिवट टेबल फील्ड्स है. इफ यू ऑब्जर्व दीज आर नथिंग बट अकाउंट के हेडर्स है वो, राइट? नीचे 4 फील्ड्स है. या क्या क्या है इसमें, पहले तो फिल्टर क्या लगाना है वो है, कॉलम में क्या चाहिए वो है, रो में क्या चाहिए वो है, एंड वैल्यूज में क्या चाहिए, राइट? सो अभी क्या चाहिए था मुझे, कस्टमर का टाइप चाहिए था ना, एग्जिस्टिंग है ना. सो मैं क्या करूंगा, ड्रैग क्लिक करूंगा इधर इधर, ये क्लिक करके ड्रैग नीचे कर दीजिए रो में, नहीं तो कॉलम में, विच एवर यू फील कंफर्टेबल. चलो रो में डाल देता हूँ. तो ये दो डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. यही था ना. फिर उसके बाद और क्या चाहिए था मुझे, अमाउंट का टोटल चाहिए था, मतलब हर एक आदमी का कितना अमाउंट है. तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट जो दिख रहा है यहाँ पे उठा के वैल्यूज के अंदर डालूंगा. नीचे वैल्यूज है, यहाँ पे ड्रॉप. अभी देखिए डायरेक्टली बन रहा है, एग्जिस्टिंग का कितना, न्यू का कितना, सम इतना. यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग, डायरेक्टली उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दिया है, राइट? इसका 42 है, उसका 22 लाख है, टोटल 64 लाख. क्लियर? मतलब यहाँ तक तो मैं आ सकता हूँ. Not only this, अभी आपको क्या चाहिए था, बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ था क्या? नहीं, आपको परसेंटेज चाहिए था. So let's do that as well. यहाँ पे आपको और ऑप्शंस में जाना पड़ेगा. ये दिख रहा है क्या नीचे, ये छोटे ड्रॉप डाउन, तो इस पे क्लिक कीजिए. ओके देन
यू कैन सी द वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग नाम का एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो क्लिक कीजिए उस पर, आपको और एक मेन्यू ओपन होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इफ ऑब्जर्व क्लोजली, मैंने इसने ऑटोमेटिकली सम लिया है बाय द वे, इफ आई वांट काउंट तो डायरेक्टली काउंट भी आ जाएगा, इफ आई वांट एवरेज वो भी आएगा, मैक्स वो भी आएगा, मिन वो भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यू डोंट इवन हैव टू राइट एनी फॉर्मूला, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट नंबर्स, वेयर केयर, वी वी आर रैप वगैरह है वो अलग। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एवरेज चाहिए मुझे हर एक कस्टमर के अकाउंट में, और टोटल एनालिसिस एग्जिस्टिंग कितने कस्टमर है अक्रॉस द ब्रांच, उनका एवरेज क्या है, न्यू के कितने कस्टमर है, उनका एवरेज क्या है। एवरेज सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, वैल्यू चेंज हो गया अपने आप। देखिए तो नए वाले जो कस्टमर है वो ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं कंपेयर टू पुराने आप। ओके, इफ यू वांट मैक्सिमम कौन दिया है, अगेन क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से मैक्स सिलेक्ट कीजिए। ओके, देखिए मैक्सिमम अमाउंट क्या है एग्जिस्टिंग वाले में 90, न्यू में 70, एक कोई तो कस्टमर है उसने 90,000 दिया। क्लियर सबको कैसे ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, नॉट अ सिंगल फॉर्मूला, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं लिखना। इसके आगे जाके और हमारा क्वेश्चन अभी बाकी है, राइट। सो अगेन आई विल गो हियर, क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग। बाय द वे आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगा। ओके, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वही मेन्यू। द नेक्स्ट शो वैल्यू एज, ये दिखना है, पहले तो मुझे सम सिलेक्ट करना है यहाँ पे, देन शो वैल्यू एज ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्या चाहिए था आपको अभी बताइए, यही चाहिए था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, आउट ऑफ टोटल कितना चाहिए था, रो टोटल, कॉलम टोटल भी है, स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करना है तो वो भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ कौन सा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी विद द, पहले तो ग्रैंड टोटल के साथ जाएंगे। ओके, देन प्रेस ओके, आ गया अभी आंसर। पूरे ब्रांच में ऐसे एग्जिस्टिंग से उनका कंट्रीब्यूशन कितना, 64.49, क्लियर। न्यू का कंस्टमर 34%, कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक हमने सिंपल वे में सॉल्व कर दिया, राइट, क्लियर एवरीवन। सो टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कई क्वेश्चंस बनाए हैं, ओके, क्वेश्चंस टू एनालाइज। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे इफ वी एनालाइज, मे बी आपको थोड़ा और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट एनालिसिस, ये एक्चुअली क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बट इन रियल वर्ल्ड में क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा ऐसा डेटा है तो क्या क्या इनसाइट्स निकाल सकते हैं। मे बी एग्जिस्टिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, राइट, न्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ओनली दिस एजेंट वगैरह, एजेंट का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकता हूँ। चलो विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, मे बी आपको फिर समझ में आएगा थोड़ा। चलिए, हाउ मच अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप फॉर ईच एजेंट, कुछ समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ के इसमें से क्या क्या चाहिए देखिए, पहले तो मुझे चाहिए अमाउंट, ठीक है, नेक्स्ट चाहिए अकाउंट टाइप, राइट, देन नेक्स्ट चाहिए एजेंट, तो कुछ ना कुछ ये तीन लोगों के साथ मुझे करना है। ये क्या बोल रहा है, अकाउंट टाइप और एजेंट, एक काम करता हूँ, एजेंट रो में लीजिए यहाँ पे और अकाउंट टाइप कॉलम में, फिर ये अमाउंट जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में, तो एजेंट वाइज और अकाउंट दोनों मिल जाएंगे, राइट, रो का कॉलम, कॉलम का रो कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली कैलकुलेशन एक्सेल को ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है ना। सो लेट्स सॉल्व, अंडरस्टूड प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है, चलिए अभी मुझे बताइए कैसा करूं। बाय द वे ये विदाउट पिवट टेबल मुझे ये आंसर निकाल के दिखाइए, ईच अकाउंट टाइप, ईच एजेंट, फिर उसका टोटल अमाउंट, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना,
इतना आसान नहीं है, बट वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन राइटिंग फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है. व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ पिवट टेबल. बताइए कैसे पिवट टेबल बनाना है. पहले डेटा को, डेटा पे जाइए, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, इंसर्ट पिवट टेबल. ओके, इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है. सिर्फ न्यू शीट प्रेस ओके, नया शीट क्रिएट होगा. नीचे देखिए यहाँ पे शीट क्रिएट हो रहा है, बाय द वे शीट टू क्रिएट अभी हुआ, शीट वन पहले हुआ था. देन इसको बोलते हैं फील्ड्स. ओके, ये सारे दिखते हैं. और यहाँ पे ऊपर वाले थोड़े, बाय द वे स्पेशल मेन्यू जरा देखते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे बटन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये देखिए ऑन ऑफ होता है यहाँ से, एंड यहाँ पे क्लिक भी करूंगा तो भी चला जाएगा. ये एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा था किसी को, अपने स्टूडेंट, उसको ये दिखाया था, उसने बोला ये फील्ड है, फिर उन्होंने यहाँ क्लिक किया, अभी बोला कि वो फील्ड लगा के दो, कैसे आता है विदाउट क्लिकिंग देयर. ओके, तो उनको यही पूछना था कि आपको वो ऑप्शन पता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तो आपको यही बताइए कि यहाँ पे प्योर टेबल एनालिसिस में एक ऑप्शन है कॉल्ड फील्ड लिस्ट, शो शो नाम के बटन के, है ना. नॉट ओनली दिस, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है प्योर टेबल क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंडेड प्योर टेबल्स भी है, क्लिक कीजिए. इनसाइट्स आपको डायरेक्टली वो बना के देगा प्योर टेबल, ये भी आप बना सकते हो. अकाउंट वाइज कितना अमाउंट है ये भी चेक कर सकते हो, ब्रांच वाइज कितना अमाउंट है वो भी देख सकते हो. राइट, इतना डिटेल में नहीं रहता, बट ठीक है, स्टार्ट करने के लिए अच्छा है. मंथ वाइज एनालिसिस, मंथ वाइज कस्टमर टाइप एनालिसिस, एग्जिस्टिंग एंड न्यू, अलग अलग कॉम्बिनेशन, मोस्टली विल डू ऑल ऑफ दिस. चलिए अभी बताइए हमारा आंसर क्या था. ईच एजेंट, ईच ब्रांच एंड देन अमाउंट. तो क्या ट्रैक करूं, पहले तो एजेंट, एजेंट को क्लिक कीजिए, उठाइए, रो में चाहिए तो रो डालिए, कॉलम चाहिए तो कॉलम. चलिए पूरा समराइज हो गया, कितने यूनिक थे वो लिख के आ रहा. अभी बताइए नेक्स्ट क्या था. अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप को क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके कॉलम में छोड़ देता हूँ. तो अभी ये बन रहा है, देखिए यहाँ पे अकाउंट टाइप ये है, ये दिस इज द ऑप्शन. राइट, अभी आपको चाहिए था क्या फिर यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चाहिए था ना, अमाउंट यही चाहिए था ना. तो अमाउंट ड्रैग करके वैल्यूज में डालना है, वैल्यूज नीचे, वैल्यू क्या करता है, नंबर जनरेट करता है बीच में. ओके, देखिए अभी क्या आ रहा है, वैल्यूज तो आ रहे बट है क्या यहाँ पे मिलेगा आपको. सो यही चाहिए था आपको, ईच अकाउंट, हर एक सेल्स पर्सन का हर एक ब्रांच में कितने अमाउंट है उसके कस्टमर का. बट ये मिलके क्या हुआ, क्या फायदा हुआ आपको, इनसाइट्स क्या है, इसके ऊपर इनसाइट्स निकालना पड़ेगा ना आपको. सो जस्ट कंपेयर, व्हाट यू कैन डू इज मे बी यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, इसको सिलेक्ट करके एक बार सॉर्ट कर दो. राइट, होम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, अभी कहना है इससे कि हमारा जो एजेंट है अशोक कुमार, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज ही इज हाईएस्ट, इसके जो कस्टमर है इन्होंने हाईएस्ट पैसा रखा है बैंक. राइट, उसके बाद इसका आता है नंबर, उसके बाद मोस्टली टॉप फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबके क्लोज नंबर है. राइट, 19 लाख, 11 लाख, ऑल दोस थिंग्स. श्वेता प्रमोद आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत कम पैसा रखा है इनका. इनके तो आई आर ए अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ऐसे कोई भी कस्टमर नहीं है इनका आई आर ए अकाउंट का, सीडी का नहीं है श्वेता का. राइट, अकाउंट वाइज भी पैसा अलग आ रहा है, देखिए है ना. तो यहाँ से देख सकते हो सीडी मतलब एफडी किसने बनाया है, हाईएस्ट एफडी अशोक कुमार के लोगों ने बनाया, अशोक कुमार के जो कस्टमर है वो सिर्फ एफडी बना रहे, 10 लाख का बनाया. राइट, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है फिर अशोक. अगेन
नंबर्स आर नॉट दैट अपीलिंग, इतना नंबर से इंपैक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करता हूँ मैं इसे परसेंटेज में दिखाता हूँ। कैसे दिखाना है, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, वैल्यू फिटिंग, शो एज, अभी यहाँ पे रो एंड कॉलम सिलेक्ट करते हैं, चलिए परसेंटेज ऑफ कॉलम, ओके। अभी देखिए, नाउ कैन यू सी, आज टोटल बिजनेस में अशोक कुमार का कंट्रीब्यूशन कितना है, 29%। सो कितना इंपॉर्टेंट, ये छोड़ गया तो आपको 30% बिजनेस आपका गया, राइट। सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप इनसाइट्स निकाल सकते हो फिर। अशोक कुमार इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वी नीड टू हाई गिव हिम बेटर प्रमोशन, ये वो, राइट, क्लियर ऑनलाइन। और मान लीजिए आपको किसी को फायर करना है तो कौन किसको निकाल सकता है, श्वेता है, प्रमोद है, नॉट बोथ आर द दिस थिंग, राइट, ऑल दिस टू, ऐसे एनालिसिस होता है कंपनी में भी, आपका परफॉर्मेंस, आपका टाइम, आपका रिवेन्यू, प्रोजेक्ट, ऑल दोस थिंग्स, क्लियर सबको। ये किया था कॉलम वाइज, अभी रो वाइज करते हैं। ऑल वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो एज परसेंटेज ऑफ रो कॉलम, रो टोटल, अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टोटल जो मेरा बिजनेस हो रहा है उसमें से कितना बिजनेस एफडी के तरफ से आ रहा है, सीडी 58% बिजनेस एफडी से आ रहा है, 48 सॉरी, चेकिंग करंट अकाउंट इज 24, एनपीएस से 3%, सेविंग में 25%, क्लियर। ऐसे डायरेक्टली डिटेल्ड एनालिसिस आप कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आपको फिर इनसाइट निकालिए, एफडी पे आप we have a highest in FD which is not good, equal amount चाहिए सबका, IRA saving पे ऊपर focus करना पड़ेगा, IRA के ऊपर focus करना पड़ेगा, IRA के expert लोगों को hire करना पड़ेगा, all those things are there, no? आपको business grow करना है तो क्या करोगे, सिर्फ FD को grow करोगे नहीं, right? आप कौन कमजोर है उसको भी बढ़ाओगे ना, all those things, clear? By the way, आप लोगों को not sure क्योंकि हमने बहुत एक, 2-3 लेक्चर कवर किया है जिसमें हमने पूरा एनालिटिक्स का फ्लो, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, उसका प्राइमरी काम क्या रहता है, सेकेंडरी काम क्या रहता है, ये देखा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि इनसाइट्स मतलब क्या वगैरह, ओके। सो आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है अवेलेबल, मे बी यू कैन वॉच, ठीक है, मग तुम्हाला क्लियर सगळ्यांना कळतंय ऑनलाइन, आर यू गुड, कम्फर्टेबल। चलिए और 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी अकाउंट ईच पर्सन हैज ओपन्ड, मतलब हर एक सेल्स पर्सन ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स का कुछ पर्सन है, यहाँ पे अकाउंट का क्या आएगा, काउंट आएगा, सम नहीं आएगा। सो लेट्स डू दैट डायरेक्टली, करते हैं, आप लोग एक्सपर्ट हो, है ना, प्योर टेबल, इंसर्ट प्योर टेबल, क्लिक न्यू। अभी बताइए सेल्स में क्या करना है, एजेंट को रो में और अकाउंट को, अकाउंट टाइप को वैल्यू में, राइट। तो ये क्या हो गया, काउंट ऑफ अकाउंट, अभी आपको समझ में आ रहा है ना, अभिषेक कुमार ने 125 अकाउंट ओपन किए, अशोक कुमार ने 200, ये अशोक कुमार ही था क्या, तो हाईएस्ट वाला था, ठीक। देयर इज वन पर्सन, उसके कम अकाउंट है, ज्यादा पैसा है, एक है कुछ, आपको वो देखना पड़ेगा प्रॉपरली, ओके। सो स्टिल टोटल अकाउंट कितने हैं मेरे, 722, उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज, फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ नहीं आया तो राइट क्लिक, वैल्यू सेटिंग, शो एज परसेंटेज, ग्रैंड टोटल, प्रेस, अभी आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस। अशोक कुमार देखिए 28%, मतलब पैसा कितना लाता है अशोक कुमार, 30% के आराम से पैसा लेके आता, अकाउंट भी वही ओपन करता है, मतलब सब काम वही करता है लगता है कंपनी में, है ना, मतलब ये गया तो आपका कंपनी बंद होने के चांसेस है डायरेक्टली। तो आप ये हाईलाइट कर सकते हो ना, एज अ इनसाइट, यू शुड डेवलप समबडी हु कैन टेक लीड इंस्टेड ऑफ अशोक कुमार,
बिकॉज अशोक कुमार इज वर्किंग एवरीवेयर, ओपनिंग अकाउंट, पैसा लेके आना, अकाउंट ओपन करना, राइट? सो इनसाइट हो सकता है, रिस्की है ये आदमी फिर बहुत. बाकी प्रवीण है, राहुल है, श्वेता ने ना पैसे लेके आए है ना अकाउंट ओपन किया है. प्रमोद सेम है, उधर भी 4-5% कुछ पैसे लेके आता था, इधर भी 3% अकाउंट ओपन कर. सो व्हेन देयर इज अ टाइम टू फायर, ये दो दो तो पक्का है ना? सो आपको भी आपका इवैल्यूएशन ऐसा ही करना पड़ेगा. अरुण कुमार है लगता है, अरुण कुमार का 4% अकाउंट है बट पैसा 10% है, ऐसा कुछ है ना? क्लियर सबको, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सो दिस इज मे बी अकाउंट वगैरह है, इसी अकाउंट को ऑलरेडी और दो तीन क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन. मे बी दिस ऑब्वियसली इट्स 7:30, सो यू नीड टू डू इट इन द होमवर्क. क्लियर? कल हम इसको ही होमवर्क देखेंगे और इसका और एडवांस देखेंगे. एडवांस मतलब चार्ट वगैरह देखेंगे, चार्ट्स कैसे प्लॉट होता है, क्या करता है, एंड प्लॉट करने उतना भी मेहनत नहीं करना है, ये भी हम देखेंगे. वो भी चार्ट भी डायरेक्टली बनाएंगे. पहले हम मैनुअल कैसे चार्ट बनाते वो देखेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेशन होना चाहिए. और ऐसे करते करते आखिरी दिन में एक क्लिक करोगे तो सारा प्रोसेस ऑटोमेट होगा. डेटा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड तो खुद करना पड़ेगा वो ऑटोमेट नहीं होगा, बट डेटा फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, प्योर टेबल बनाना है, चार्ट्स बनाना है, सब कुछ ऑटोमेट, एक क्लिक, दैट्स इट. ओके, बट उससे पहले बेसिक सब कुछ आना चाहिए. क्लियर एवरीवन हाउ टू डू व्हाट इज प्योर टेबल? सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको होमवर्क करना है, नॉट ओनली दिस. अभी इफ यू सी क्वेश्चन आर वेरी इजी, मतलब आपको पढ़ के आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आंसर निकाल सकते, बट इम्पॉर्टेंट आंसर निकालना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इनसाइट्स निकालना. मतलब कंपनी में जाके ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं देगा आपको, है ना? सो उस पे आप फोकस कीजिए. जो हमने अभी दो टेबल निकाले हैं, इसमें से जैसे मैं आपको इनसाइट्स बताता था, राइट, ये इम्पोर्टेंट है, इसका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये फायर होगा तो या हायर करेंगे तो ये सारे इनसाइट्स आपको निकालने, यही पे लिखिए साइड में योर टेबल बना के 3-4 insights. हर एक टेबल के एटलीस्ट दो तीन insights निकाल लीजिए, insights as well as actions. Clear everyone online? By the way, कल हम if you don't present, कल हम उस पे ही दिन स्पेंड करेंगे. At least one person has to present. This is no response. और बाय द वे है कि डिस्कनेक्ट हो गए सब लोग? यस यस. ओके गुड. सो कल आपको एटलीस्ट दो लोगों को प्रेजेंट करना और इनसाइट्स बताना है ना? सो प्रिपेयर योरसेल्फ. सर इन व्हिच डेटा सेट एंड गेट डेटा सेट. ओके, यू विल गेट अ गेट डेटा सेट इन द गूगल ड्राइव लिंक. गूगल ड्राइव का जो लिंक शेयर किया है ग्रुप में उसमें आपको मिलेगा. डे 5 और डे 6 उतना मेहनत थोड़ा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़ा आगे पीछे होता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है, मोस्टली 4 और 5 में मिल जाएगा. ओके, बिकॉज इट इज ओनली क्रिएटेड फॉर वन लेक्चर, वन हर बार वो कॉपी पेस्ट करना, इट डजंट मेक एनी सेंस. So, आपने पूरे फाइल्स डाउनलोड किए हैं तो प्लीज चेक इन द 4 और 5. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. चलो, थैंक यू सर. बाय.